आपका ये आ गया है सेंसर और ये आ गई है सब लाइट, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें लाइट लगी हुई है। अब हम मैं इसे ही चेंज करूँगा। इसे चेंज करने के बाद सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे और इसे चेंज करने के बाद फिर देखेंगे कि अगर हम दूसरा एडाप्टर लगाते हैं, यानी कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये एडाप्टर लगाएंगे हम इसके इसे हटा के ये एडाप्टर लगाएंगे, अच्छा वाला एडाप्टर है, ठीक है। इसके बाद ये हटाने के बाद चेक करते हैं कि ये सेंसर सही है या लाइट सही है, इन दोनों से ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो आज दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे पास ये मिरर है दोस्तों, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आ गई ही है, यानी कि इसमें लाइट सेंसर मिरर है। मैं आपको दिखा देता हूं कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं ये मिरर है और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो मैं अब आपको ये दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम इसमें एक्सचेंज करेंगे, इसमें क्या ख़राबी आई है, एडाप्टर में आई है, लाइट में आई है या सेंसर में आई है, सब कुछ इसके बॉक्स के अंदर है। और यही ऐसा ही लुक हमने इस साइड दिया है और कुछ इस तरीके का बैक साइड से होता है, ठीक है। तो आज हम ये जो वीडियो बनाई है मैंने, ये सिर्फ ओनली एक्सचेंज पे बनाई है, इसमें जो भी दिक्कत आएगी वो हम आज पूरी करने वाले हैं। और हमारे पास है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास सामान है, इसका सेंसर भी है, हमने सेंसर भी ले रखा है और हमने एडाप्टर भी ले रखा है, ठीक है। और दो हम इसमें से लाइट ले लेते हैं, जो भी इसमें लाइट है, यानी कि इसमें बम वाइट और वाइट है, तो हम दो वाइट निकाल लेते हैं, बाकी हम इसको रख देते हैं, ठीक है। तो अब जो भी अगर इसमें सेंसर की प्रॉब्लम आएगी तो हम सेंसर को एक्सचेंज करके लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी एडाप्टर की आएगी तो एडाप्टर चेंज कर देंगे, इसी तरह से लाइट का भी हम एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम इसको रखते हैं एक साइड को, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या खराबी, इसे खोलते हैं फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या खराबी है, ठीक है। तो इसे हम एक साइड को रख लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब हम इसे पहले खोलते हैं फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो अब हम देखते हैं खोल कैसे, ठीक है। तो साइड से थोड़ा थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से कर लेते हैं, एक ही हाथ से वीडियो बनानी पड़ती है, ये देख सकते हैं, ठीक है। और हम इस साइड से कर लेते हैं थोड़ा सा, ये साइड है, हम इस साइड से भी साइड आ लेते हैं पहले जल्द से जल्द, ठीक। और इस थोड़ा सा इस साइड से है, ये इसी से भी हम इसे हल्का सा हटा लेते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी ओपन होने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ठीक। तो इसे हम रखते हैं इस साइड को, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि दोस्तों इसमें एडाप्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग दिख रहा है, एडाप्टर ख़राब हुआ हुआ, ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो यानी कि ये ख़राब हो चुका है, यहाँ फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये वायर है मेन, जो प्लग लगाते हैं वो है, ठीक है। बाकी आपका ये आ गया है सेंसर और ये आ गई है सब लाइट, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें लाइट लगी हुई है। अब हम मैं इसे ही चेंज करूँगा, इसे चेंज करने के बाद सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे और इसे चेंज करने के बाद फिर देखेंगे कि अगर हम दूसरा एडाप्टर लगाते हैं, यानी कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये एडाप्टर लगाएंगे हम इसके इसे हटा के ये एडाप्टर लगाएंगे, अच्छा वाला एडाप्टर है, ठीक है। इसके बाद ये हटाने के बाद चेक करते हैं कि ये सेंसर सही है या लाइट सही है, इन दोनों से ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो सेम है, वही तरीके से जैसे जैसे तार इसमें लगे हुए हैं ऐसे ही हमें चेंज करना है सेम, यानी कि आपका मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन सप्लाई आ गई आपकी, ठीक है। मेन सप्लाई जो प्लग के तार हैं वो इसमें लगेंगे, और दोस्तों जो सेंसर के तार हैं ये जो आप देख रहे हैं ये लगेंगे हमारे इसमें, ठीक है। तो मैं ये ओपन खोल लेता हूँ जल्द से जल्द, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको इसी तरह से लगा के दिखा देता हूँ, सेम ऐसे ही लगेंगे मेन तार इसमें और सेंसर के इसमें। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ किस तरीके से, ठीक है। जैसे 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 मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको एक्सचेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता है, ठीक है। तो हमने सेंसर के तार तो ये निकाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसके बाद मेन लाइट के भी निकालने हैं, जो मेन लाइट है, ठीक, ये आप देख सकते हैं ये निकल चुका है, ठीक है। ये तो जो ख़राब चीज़ थी वो हमने निकाल दी है, अब इसके बजाय हमें लगाना है ये, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसे भी ऐसे ही रख देना है और पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक है। और इसका ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है, माइनस और प्लस, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, रेड माइनस में, सॉरी रेड प्लस में, और माइनस में आपका काले कलर वाला तार आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ये आप देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से ये है सेम, ये दोनों कहीं से कोई सा भी तार कहीं का भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं दोनों तार मेन लाइन के हैं, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक। मैं आपको दिखा देता हूँ लगाकर,
तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो चुका है, ये हमने निकाल दिया है। अब हम चेक करके देखते हैं कि ये जब हमने फिट कर दिया है, जो चीज़ ख़राब लगी हमें हमने वो निकाल दी है। अब इसके बाद ही पता चलेगा कि सेंसर तो ख़राब नहीं है या लाइट तो ख़राब नहीं है। जोन सी भी चीज़ ख़राब होगी, जैसे मैंने आपको बताया वही चीज़ डल जाएगी। ठीक है, तो हमने जो मैंने आपको दिखाया था, सेंसर दिखाया था, लाइट दिखाई थी और ये एडाप्टर दिखाया था, तो एडाप्टर इजीली अलग ही दिख रहा है, ख़राब है। अब हम चेक करते हैं, लगाते हैं प्लग, उसके बाद देखते हैं कि ये जलता है या नहीं जलता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास प्लग है, मैं मेन उसमें लगाता हूँ, फिर इसमें करंट आ जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये सही है या। तो ये हो चुका है, देखिए कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको टच करके दिखा देता हूँ, जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप बहुत ही ईजी इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं एक एडाप्टर के थ्रू। ठीक है, चेक करना आपको सभी चीज़ का पड़ेगा, जैसे कि अब हम दूसरी बार क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक, इसमें तीन लाइटों का एक कन्वेंशन लगाते हैं, तीन लाइटों का इसमें कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप तीसरी लाइट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचेगी। ठीक है।